गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में है, जो आपकी बुक का चैप्टर नंबर 6 है। इसमें सबसे पहले आपको गवर्नमेंट की मीनिंग बता रहे हैं। स्टेट विच इज़ एन इंटेंसिबल एंड इनविजिबल ऑर्गेनाइजेशन इज एन इमोशनल कंसेप्ट एंड द ऑर्गेनाइजेशन विच प्रोवाइड्स इट अ टेंसिबल फॉर्म इज नोन एज गवर्नमेंट। ये कह रहा है कि स्टेट एक इमोशनल कंसेप्ट है क्योंकि ये एक इनविजिबल ऑर्गेनाइजेशन है, इसको विजिबल फॉर्म प्रोवाइड करवाने के लिए गवर्नमेंट होती है। फॉलोइंग आर द 3 ऑर्गन्स ऑफ अ गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ये गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स बताए हैं। फर्स्ट है लेजिस्लेचर, सेकेंड है एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड है जुडिशरी। सबसे पहले हम लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ेंगे। लेजिस्लेचर इज़ द फर्स्ट ऑर्गन अमंग द 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स में से एक है। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 79 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देयर इज अ पार्लियामेंट इन द इंडियन यूनियन विच इज़ फॉर्म जॉइंटली बाय द प्रेजिडेंट एंड द 2 हाउसेज, नेमली द लोकसभा एंड द राज्यसभा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 79 कहता है कि इंडिया की एक पार्लियामेंट होगी, उसमें प्रेजिडेंट, 2 हाउसेज, लोकसभा एंड राज्यसभा शामिल होंगे। इन दिस मैनर पार्लियामेंट रेफर्स टू द जॉइंट फॉर्म ऑफ ऑल द 3, द प्रेजिडेंट, द लोकसभा एंड द राज्यसभा। प्रेजिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा इसमें शामिल होंगे। नेक्स्ट, फॉर्मेशन और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द लोकसभा। ये आपका, अब यहाँ पर हमने 2 हाउसेस पढ़े थे, लोकसभा और राज्यसभा, तो इसमें सबसे पहले लोकसभा का फॉर्मेशन आपको बता रहे हैं। लोकसभा इज़ द फॉर्मेशन और लॉर हाउस और द हाउस ऑफ द पीपल ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। लोकसभा को फर्स्ट हाउस, लॉर हाउस और द हाउस ऑफ द पीपल कहते हैं। हाउस ऑफ द पीपल कहने के पीछे जो रीज़न है, इट्स मेंबर आर इलेक्टेड बाय द सिटीजन्स थ्रू एडल्ट फ्रेंचाइज, कि यानी इसके जो मेंबर्स हैं वो सिटीजन्स के थ्रू इलेक्ट किए जाते हैं एडल्ट फ्रेंचाइज के थ्रू, यानी कि जो व्यक्ति 18 साल का हो जाता है वो इसमें वोट डाल सकता है। फर्स्ट, अब इसके फॉर्मेशन का फर्स्ट पॉइंट है नंबर ऑफ मेंबर। द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा कैन बी 552। इसकी जो स्ट्रेंथ है वो 552 हो सकती है, यानी कि इसके मेंबर 552 हो सकते हैं। आउट ऑफ दिस 530 मेंबर्स आर इलेक्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ वेरियस स्टेट्स, यानी कि इन 552 में से 530 मेंबर्स होते हैं वो स्टेट्स की कॉन्स्टिट्यूएंसीज के थ्रू लिए जाते हैं। अ मैक्सिमम नंबर ऑफ 20 मेंबर विल बी इलेक्टेड फ्रॉम द यूनियन टेरिटरीज एंड मैक्सिमम 2 मेंबर्स फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी विल बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। अब ये कह रहा है कि 552 में से आपको 530 बता दिए स्टेट से, 20 मेंबर्स जो लिए जाते हैं वो यूनियन टेरिटरीज यानी कि हमारे केंद्र शासित प्रदेशों से लिए जाते हैं, और जो 2 मेंबर्स होते हैं उनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, इलेक्ट नहीं करता, प्रेसिडेंट के थ्रू वो नॉमिनेट किए जाते हैं। इलेक्शन, सेकेंड पॉइंट है इलेक्शन। मेंबर ऑफ द लोकसभा आर इलेक्टेड डायरेक्टली ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। मैं आपको बता चुकी हूँ ये कि इसके जो लोकसभा के मेंबर होते हैं वो हमारी पब्लिक ही इसको इलेक्ट करती है। नाउ पर्सन हु हैज़ अटेंड द एज ऑफ 18 ईयर इज रिगार्डेड एज एडल्ट, यानी जो व्यक्ति 18 साल का हो गया है उसे एडल्ट यहाँ पर माना जाता है। थर्ड पॉइंट है क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप। According to the constitution, the following qualifications are required to be a member of Lok Sabha. First, he should be a citizen of India. वो इंडिया का सिटीज़न होना चाहिए। He should be of age 25 or more. उसकी एज 25 ईयर होनी चाहिए। He should not hold an office of profit under the Indian government or any state government. वो व्यक्ति स्टेट गवर्नमेंट या इंडियन गवर्नमेंट के अंडर किसी भी प्रॉफिट के पोस्ट पर नहीं होना चाहिए। फोर्थ है, ही शुड नॉट बी डिक्लेयर्ड एज मेंटली डिसेबल्ड थ्रू एनी कोर्ट एंड शुड नॉट बी बैंकरप्ट। उसको किसी भी कोर्ट के थ्रू मेंटली डिसेबल्ड डिक्लेयर नहीं किया जाना चाहिए और वो बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए। बैंकरप्ट यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से रुपए पैसे का लेन देन करता है, उसको रिटर्न नहीं करता है, तो फिर उसको बैंकरप्ट घोषित कर दिया जाता है, यानी इन फ्यूचर वो कभी भी किसी से लेन देन नहीं कर सकेगा। फोर्थ पॉइंट है टर्म। द टर्म ऑफ द लोकसभा इज 5 ईयर्स। लोकसभा का जो कार्यकाल होता है, टाइम पीरियड होता है, वो 5 ईयर का होता है। ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर द प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द लोकसभा इवन बिफोर इट्स कंप्लीशन ऑफ टेन्योर। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये टोटली 5 ईयर तक ही रहेगी। इसको प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस से प्रेसिडेंट बिफोर इट्स कंप्लीशन ऑफ टेन्योर, यानी इसके टेन्योर के कंप्लीशन से बिफोर भी इसको डिसॉल्व किया जा सकता है, इसको समाप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है मीटिंग। मीटिंग ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा आर कॉल्ड एंड पोस्टपोन्डेड ओनली बाय द प्रेसिडेंट।
इसकी जो मीटिंग्स हैं वो प्रेसिडेंट के थ्रू ही बुलाई जाती हैं और उनको पोस्टपोन किया जाता है। सिक्स पॉइंट है ऑफिसर ऑफ द लोकसभा, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 93 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द लोकसभा इटसेल्फ विल अपॉइंट अ स्पीकर एंड अ डेप्यूटी स्पीकर फ्रॉम अमंग इट्स मेंबर्स। यानी इसमें से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुना जाता है, इनके स्वयं के मेंबर में से ही इसको चुना जाता है। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर कैन ऑल्सो बी रिमूव फ्रॉम देयर ऑफिसेज, उनको उनके पद से हटाया भी जा सकता है। इफ़ अ बिल इन दिस कंटेक्स गेट्स पास विद मेजोरिटी ऑफ द प्रेजेंट मेंबर ऑफ द लोकसभा। लेकिन वो कैसे रिमूव किया जा सकता है, अगर ये बिल मेजोरिटी से लोकसभा के मेंबर्स को पास कर देते हैं तो ही उन्हें उनके पोस्ट से रिमूव किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है फंक्शन एंड पावर्स ऑफ द स्पीकर। फर्स्ट, द स्पीकर प्रिजाइड्स अपॉन ऑल द मीटिंग ऑफ द लोकसभा एंड ही बीइंग द स्पीकर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग लॉ ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। सारी मीटिंग्स की जो अध्यक्षता होती है वो लोकसभा का स्पीकर ही करता है और सभी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, चाहे शांति व्यवस्था हो या अनुशासन हो, सभी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरे करने का वर्क स्पीकर के थ्रू किया जाता है। एंटायर प्रोग्राम एंड प्रोसीडिंग ऑफ द लोकसभा इज डिसाइडेड बाय द स्पीकर। सारा जो प्रोग्राम है, जो कार्रवाई है, वो सब स्पीकर ही डिसाइड करता है। ही इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ सम कमिटीज़ ऑफ द हाउसेज। उसकी कुछ कमिटीज़ बनाई जाती हैं, उनका जो चेयरमैन होता है वो भी यही होता है। फोर्थ, द स्पीकर डिसाइड्स वेदर अ बिल इज़ अ मनी बिल और नॉट। कोई बिल मनी बिल है या नहीं, यानी या सिंपल बिल है या फिर मनी बिल है, इसको भी स्पीकर ही पूरा करता है। ऑल द करस्पॉन्डेंस बिटवीन द पार्लियामेंट एंड द प्रेजिडेंट टेक्स प्लेस थ्रू द स्पीकर। अगर पार्लियामेंट और प्रेजिडेंट के बीच में कोई पत्र व्यवहार किया जाता है तो वो भी स्पीकर के थ्रू ही करते हैं। फॉर्मेशन और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द राज्यसभा। अब यहाँ पर लोकसभा का फॉर्मेशन कम्प्लीट हो गया, जो नेक्स्ट हाउस है राज्यसभा उसका फॉर्मेशन यहाँ से स्टार्ट होता है। राज्यसभा इज़ द सेकेंड और अपर हाउस और द काउंसिल ऑफ स्टेट्स ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। ये इसके अपर हाउस और सेकेंड हाउस कहा जाता है इसको। फर्स्ट पॉइंट है इसका नंबर ऑफ मेंबर्स एंड प्रोसेस ऑफ इलेक्शन। द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा इज 250। इसके जो सदस्य हैं वो 250 तक हो सकते हैं, बट एट प्रेजेंट टाइम इट इज़ 245। ये केवल 245 ही हैं। आउट ऑफ दिस, अब इनका डिवाइडेशन बता रहा है ये 245 का, कि इनमें से 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेजिडेंट, कि 12 जो मेंबर होते हैं वो प्रेजिडेंट के थ्रू नॉमिनेट होते हैं। दीज मेंबर आर एक्सपर्ट्स इन द फील्ड और आर्ट लिटरेचर साइंस सोशल सर्विस और स्पोर्ट एट्सेट्रा। यानी कि ये जो लिटरेचर में, आर्ट में, साइंस में, सोशल सर्विसेज में जो फेमस पर्सन होते हैं उन्हीं को इसमें 12 मेंबर्स में नॉमिनेट किया जाता है। स्टेट लेजिस्लेचर अपॉइंट 233 मेंबर्स एंड दीज मेंबर्स आर इलेक्टेड थ्रू द प्रोसेस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यूजिंग प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। बाकी जो ये 233 मेंबर्स बचे हैं इनको स्टेट लेजिस्लेचर्स के थ्रू इलेक्ट किया जाता है और जो इसका प्रोसेस रहेगा वो है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यूजिंग प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप, द क्वालिफिकेशंस फॉर मेंबरशिप ऑफ द राज्यसभा आर द सेम। ये राज्यसभा और लोकसभा की जो मेंबरशिप के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए होती है वो सेम है। एज इन द केस ऑफ द लोकसभा, दोनों की सेम है। द ओनली डिफरेंस इज दैट फॉर द मेंबरशिप ऑफ लोकसभा, लेकिन ये कह रहा है कि इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस है, वो है अ पर्सन शुड बी ऑफ एज 25 ईयर और मोर, वाइल फॉर द मेंबरशिप ऑफ राज्यसभा ही शुड बी ऑफ एज 30 ईयर और मोर। ये कह रहा है कि लोकसभा के लिए तो 25 ईयर एज चाहिए, बट राज्यसभा के लिए 30 ईयर या उससे मोर चाहिए। टेन्यूर ऑफ मेंबर्स, राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस विच इज़ नेवर सस्पेंडेड। ये एक परमानेंट हाउस है, इसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता। जैसे हमने लोकसभा में पढ़ा था कि उसको 5 वर्ष से पहले भी डिसॉल्व कर सकते हैं, इसको नहीं कर सकते। द टेन्यूर ऑफ इट्स मेंबर इज 6 ईयर्स, यानी कि इसका जो टेन्योर होता है वो फर्स्ट मेंबर्स का होता है 6 ईयर्स का। कैसे, 1/3 ऑफ राज्यसभा मेंबर्स रिटायर आफ्टर अ पीरियड ऑफ एवरी 2 ईयर, कि हर 2 ईयर में इसके 1/3 मेंबर्स होते हैं उनको रिटायर कर दिया जाता है।
ऑफिसर्स ऑफ द राज्यसभा, अब राज्यसभा के ऑफिसर के बारे में, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन आर द टू ऑफिसर्स ऑफ द राज्यसभा, इसमें भी दो व्यक्ति होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, जैसे चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राज्यसभा का जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है वो कौन होता है, वो होता है वाइस प्रेसिडेंट। हिज टेन्योर इज ऑफ 5 ईयर, लेकिन प्रेसिडेंट का जो टाइम पीरियड होता है वो 5 ईयर ही होता है। द राज्यसभा अपॉइंट्स 1 मेंबर फ्रॉम इट्स मेंबर्स एज द डेप्टी चेयरमैन फॉर अ पीरियड ऑफ 6 ईयर, और इसके डेप्टी चेयरमैन के बारे में बता रहे हैं कि वो 6 साल के लिए है, राज्यसभा के मेंबर्स में से ही चुना जाता है।